इमरान के जहन पर छाई हुई तारीकी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील होती जा रही थी और फिर इमरान की आंखें खुल गईं। इमरान मैं जोलिया हूँ जोलिया, अचानक इमरान के जहन से जोलिया की आवाज़ टकराई और इमरान के जहन पर बाकी मानदा तारीकी एक ही झटके से रोशनी में तब्दील हो गई और उसे अपने सामने खड़ी जोलिया नज़र आने लगी। शुक्र है इमरान के तुम्हें होश आ गया, खुदा के शुक्र है, जोलिया ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। थैंक गॉड पास को होश आ गया। अचानक इमरान के कानों में दाएं तरफ से जोसेफ की आवाज़ पड़ी और उसने बेख्तियार गर्दन मोड़ी तो जोसेफ का मुसरत से तमतमाता हुआ चेहरा उसे नज़र आ गया और उसके लबों पर भी बेख्तियार मुस्कुराहट रिंग गई। तुम बोल क्यों नहीं रहे इमरान, बोलो क्यों नहीं बोल रहे तुम, अचानक जोलिया ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। मैं सोच रहा हूँ कि तुम अभी तक जोलिया ही हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जोलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं जोलिया से इमरान बन जाऊंगी, जोलिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा। शायद इमरान के बोलने और उसके मखसूस फिक्र ने जोलिया को यकीन दिला दिया था कि इमरान ज़हनी तौर पर तंदरुस्त है। बास क्या इस औरत सोसन ने आपको मंजूर कर दिया है, यकलक जोसेफ ने कहा तो जोलिया चौंक पड़ी। हाँ ये व्हील चेयर क्या मतलब, उठो तुम बैठे हुए क्यों हो, जोलिया ने भी परेशान होते हुए कहा। अरे अरे चेयर तो बहरहाल चेयर ही होती है और फिर मौजूद तेज़ रफ्तार दौर में तो एक जगह जमी हुई कुर्सी ज़माने के साथ कहाँ दे सकती है, इसलिए व्हील चेयर ही चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं उठो ऐसे उठो, मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं, जोलिया ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और सफदर कैप्टन शकील तनवीर और जवाना अंदर दाखिल हुए। आपको होश आ गया, खुदाया तेरा शुक्र है, सबकी ज़बान से बयाक वक्त निकला और उन सब के चेहरे इमरान को होश में देख कर बेख्तियार खिल उठे थे। मुझे तुम्हारे चेहरे देखने से जो मुसरत मिल रही है मैं उसका इजहार नहीं कर सकता। इस बार तो मेरे साथ जो कुछ हुआ है उससे मुझे पहली बार हिजर फराक के अल्फाज का मतलब समझ में आया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब आपकी तलाश वाकई हमारे लिए मसला बन गई थी, बाज़ औक़ात तो यूं महसूस होता था जैसे हम शराब के पीछे दौड़ रहे हों, बहरहाल अल्लाह ताला का करम है कि आप जिंदा सलामत हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तनवीर तो खुश होगा कि चलो रास्ते का कांटा हट गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें कभी कांटा समझा ही नहीं, तनवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा तो फिर क्या समझा है, इमरान ने हंसते हुए कहा। वो पत्ता जो फूल को खुशनुमा बना देता है, तनवीर के बोलने से पहले ही कैप्टन शकील बोल पड़ा और कमरा बेख्तियार कैकों से गूंज उठा। पहले ये बताओ कि मैं तो सोसन की कैद में था और ये वही कमरा है सोसन के अड्डे का, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए और सोसन और उसका डॉक्टर क्लेमेट कहाँ है, इमरान ने यकलक संजीदा होते हुए कहा। बाकी तफसील तो बाद में बताएंगे, बहरहाल इतना बता देते हैं कि जोसेफ ने अपनी पुरेसरार सलाहियतों से आपको इस अड्डे पर ट्रेस कर लिया और फिर ये बात कन्फर्म हो गई कि आप यहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर अचानक पता चला कि सोसन आपको यहाँ से निकाल कर एजेंट बाकी के अड्डे पर ले गई है, चुनानचे हमने वहाँ रेड किया, फिर वहाँ से पता चला कि किसी फार्मूले के चक्कर में वो आपको वापस उस अड्डे के नीचे बनी हुई लेबॉरेटरी में ले गई है, चुनानचे हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ा, यहाँ आकर हमने जब रेड किया तो यहाँ मैदान खाली था, हमसे पहले एक रेमियन एजेंट मादम डेसी यहाँ छापा मार चुकी थी, इसलिए हमें यहाँ ज़्यादा तरद्दुद नहीं न करना पड़ा, उनको शायद हमारे यहाँ आने की तवक्को ही न थी, इसलिए बस उनके चार आदमी थे जो फायरिंग में हलाक हो गए, हमने अड्डे में बेहोश कर देने वाली गैस फैला दी थी इसलिए किसी किस्म की मजामत भी ना हुई और अड्डा भी खुला हुआ मिला, यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि आप यहाँ इस कमरे में बेहोश पड़े हुए हैं जबकि एक औरत जख्मी हालत में कुर्सी पर बेहोश पड़ी हुई थी, जबकि मदाम डेसी कमरे के बाहर दरवाजे के करीब फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी, छः मसला अफराद भी बेहोश पड़े हुए थे जबकि बाकी सब हलाक हो चुके थे, लेबॉरेटरी की मशीनरी को भी तबाह कर दिया गया था, हमने आपको होश में लाने की कोशिश की लेकिन आप होश में ना आ रहे थे, फिर कैप्टन शकील के मशवरे पर आपको पानी पिलाया गया तो आप होश में आ गए, सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। ओह मुझे इसलिए बेहोश किया गया था कि उन्हें मदाम डेसी के हमले का पता चल गया होगा, वो एक बार फिर मुझे यहाँ से निकाल ले जाना चाहते होंगे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका, लेकिन मदाम डेसी ने मुझे ट्रेस कर दिया और सफदर ने मैकमिलन और रेस के बारे में तफसील से बता दिया, इमरान ने पूछा। मास्टर आप उठते क्यों नहीं, आप व्हीलचेयर पर क्यों बैठे हुए हैं, अचानक जवाना ने कहा। मैंने पूछा है लेकिन इमरान कोई जवाब ही नहीं दे रहा, जोलिया ने कहा। क्या जवाब दूँ, मैं तुम्हारी खुशी में रखना ना डालना चाहता था, बहरहाल अब बताना ही पड़ेगा, जोसेफ की बात दुरुस्त है, मुझे नहीं मालूम कि उसे किस तरह मालूम हो गया लेकिन बहरहाल ये काम सोसन ने ही
किया है। उसने इस खौफ के पेश नज़र के कहीं मैं यहाँ से फरार ना हो जाऊँ मेरे कूल्हे में CCM का इंजेक्शन लगा दिया। इस तरह मेरी दोनों टांगें हमेशा के लिए बेहिस हरकत हो चुकी हैं और CCM का आज तक तोड़ दरयाफ्त नहीं हो सका। मैंने एक कोशिश तो की है लेकिन शायद कुदरत को मंजूर नहीं है, इमरान ने कहा तो सबके चेहरे बेख्तियार तारीख होते चले गए। ओह ओह कहाँ है वो सोसन, मैं उसके टुकड़े उड़ा दूंगी, जोलिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, बहरहाल ज़िंदगी में न जाने क्या क्या होता रहता है, यही कदीमत है कि मैं ज़िंदा तो हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने क्या कोशिश की है इमरान साहब, कैप्टन शकील ने पूछा तो इमरान ने उसे सर दावर से बातचीत और फिर डॉक्टर वार्ड से होने वाली बातचीत बता दी। मैंने डॉक्टर क्लेमर से वो अद्वियात मंगवा कर इंजेक्शन लगवा लिया है लेकिन अब तो इस इंजेक्शन को लगे हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, उसके कुछ ना कुछ असरात तो बहरहाल सामने आ ही जाते, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस सिलसिले में कोशिश करूं, कैप्टन शकील ने पूछा। तुम क्या करोगे, इमरान ने चौंक कर पूछा। मुझे याद है कि खावर ने एक बार इस CCMM के तोड़ के सिलसिले में किसी डॉक्टर रिजवान की बात की थी। ये डॉक्टर रिजवान पाकिस्तानी है और खावर का दोस्त है। खावर कह रहा था कि डॉक्टर रिजवान ने CCM के तोड़ के सिलसिले में कोई अहम कामयाबी हासिल कर ली है और डॉक्टर रिजवान अब इस इंतज़ार में है कि किसी बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में उसका इंकशाफ करे। उसका ख्याल है कि उसने एक ऐसी दरियाफ्त कर ली है जिस पर उसे बैन अल-अक़वामी अवार्ड मिलेगा। मैंने ये बात सुनकर खावर से CCM की तफसील पूछी तो उसने सिर्फ इतना बताया कि डॉक्टर रिजवान ने उसे बताया है कि ये इंसानी असहाब को जाम कर देती है और इसका आज तक कोई तोड़ सामने नहीं आ सका। मैंने भी उस वक्त ज़्यादा परवाह न की थी लेकिन अब आपने जो कुछ बताया है उस पर मुझे ये सब कुछ याद आ गया है, कैप्टन शकील ने कहा। ओह ओह अगर ऐसा हो जाए तो अल्लाह ताला का मुझ पर खास करम होगा, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। उसे वाकई कैप्टन शकील की बात सुनकर दिली मुसरत हुई थी। मेरे ख्याल में पहले हमें यहाँ से निकलकर वापस अपनी रहिशगाह पर जाना चाहिए, वहाँ जाकर इत्मीनान से बात हो सकेगी, कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई और यहाँ हमला कर दे, जोलिया ने कहा। इमरान साहब वो फार्मूला जिसके लिए आपको मुसलसल अगवा किया जाता रहा है वो कहाँ होगा, वैसे हमने तो यहाँ सारी तलाशी ले ली है, यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, सफ्तर ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्करा दिया। मैंने उस फार्मूले को जला दिया था। उधर कोने में देखो, इस फार्मूले की राख का ढेर पड़ा हुआ तुम्हें नजर आ जाएगा, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। ओह क्यों, क्या मतलब, इस कदर एम फार्मूला तुमने क्यों जला दिया, ये पाकेशिया के काम आता, जोलिया ने कदर नाखुशगवार लहजे में कहा। मैंने वो बुनियाद ही ख़त्म कर दी है जिसकी बिना पर मुझे इस तरह जगह जगह खार होना पड़ा है और मेरे पीछे आप सबको भी। वैसे जिस वक्त मैंने फार्मूला जलाया उस वक्त मुझे 100% यकीन था कि डॉक्टर वार्ड से डिस्कस किया हुआ नुस्खा काम दे जाएगा, इसलिए मेरा ख्याल था कि मैं ठीक होकर यहाँ से खुद ही निकल जाऊँगा। पहले तो मुझे इस फार्मूले से दिलचस्पी न थी लेकिन जो कुछ सोसन ने मेरे साथ किया था उस पर मैं ये फैसला करने पर मजबूर हो गया था, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुम ऐसा ना करते तो अच्छा था, जोलिया ने तवील सांस लेते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, मेरी टांगें मुंजमद हो गई हैं, दिमाग तो मुंजमद नहीं हुआ, फार्मूले पर मैंने दोबारा काम किया है और फार्मूला अब मेरे जहन में मौजूद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जोलिया का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। उस सोसन डेसी और उसके आदमी को क्या करना है, सफदर ने जोलिया से मुखातिब होकर कहा। करना क्या है, गोलियों से उड़ा दो, जोलिया ने शफाक लहजे में कहा। इन्हें साथ ले चलो, वहां जाकर उनके बारे में फैसला करेंगे, इमरान ने कहा। नहीं मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती, उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उसके बाद ये जिंदा नहीं रह सकते, जोलिया ने बिफरे हुए लहजे में कहा। मैं किसी से जाती इंतकाम नहीं लिया करता मिस जोलिया, मैं उनके जरिए एक और काम कराना चाहता हूं और वो काम पाकेशिया के फायदे का होगा, इमरान ने इस बार सर्द लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि तुम क्या चाहते हो लेकिन मुझे तुमसे इत्तेफाक नहीं है, जोलिया ने कहा। क्या मालूम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं अहमक हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि तुम क्यों इन्हें साथ ले जाना चाहते हो, जोलिया ने होंठ चबाते हुए कहा तो इमरान के साथ साथ बाकी साथियों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट रिंग गई। वो समझ गए थे कि जोलिया क्यों इन दोनों का फौरी खात्मा चाहती है। जो कुछ तुम्हारे जहन में है वो मेरा मकसद नहीं है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। जो कुछ तुम समझ रहे हो या ये लोग समझकर मुस्कुरा रहे हैं मेरा भी वो मकसद नहीं है कि चूंकि ये दोनों जवान औरतें हैं और तुम उनके साथ रहे हो इसलिए मैं उन्हें हलाक करना चाहती हूँ,
मुझे उसकी कभी परवाह नहीं रही। मुझे मालूम है कि तुम यही चाहते हो कि उनके जरिए क्रेमिया तक ये पैगाम पहुंचा दो कि फार्मूला जल चुका है, ताकि क्रेमिया या कोई और तंजीम इस फार्मूले के पीछे पाकेशिया ना आए, जोलिया ने कहा तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तस्रात उभर आए। गुड शो, तुमने वाकई मेरे जहन की बात की है, मेरा वाकई यही मकसद था। तो तुम तो मेरी गैर हाजिरी में खासी अकलमंद हो गई हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। मिस जोलिया, दरअसल आपके सामने अपनी जहानत का इस्तेमाल नहीं करती, शायद इसलिए कि कहीं आप उन्हें अपने से ज़्यादा अकलमंद समझ कर फरार ना हो जाएं। वरना इस बार मिस जोलिया ने टीम को वाकई इंतहाई जहानत से लीड किया है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जहीन खातून वाकई मर्दों को फरार होने पर मजबूर कर देती है, इसमें क्या शक है, बशर्ते कि वो तनवीर की तरह अकलमंद हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कमरा एक बार फिर कैको से गूंज उठा। इस हालत को पहुंच जाने के बावजूद तुम अपनी बातों से बाज नहीं आए, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इस हालत को पहुंचने के बाद ही तो मुझे मालूम हुआ है कि अब सिर्फ बातें ही हो सकती हैं, इमरान ने जवाब दिया तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। अल्लाह फजल करेगा, तुम ना उम्मीदी की बातें मत करो, जाओ सफ्तर जल्दी करो, हमें यहाँ जितनी देर हो रही है उतने ही हमारे लिए खतरात बढ़ रहे हैं, जोलिया ने सफ्तर से कहा। वैसे मिस जोलिया, इस शोषण को बेशक ख़त्म कर दें, लेकिन डेसी को वाकई ज़िंदा छोड़ देना चाहिए, इमरान साहब का ख्याल दुरुस्त है, वरना एक रेमिया इस कदर अहम फार्मूले को कभी नहीं छोड़ेगा और इमरान साहब मुस्तकिल इस अजाब में फंस कर रह जाएंगे, सफदर ने कहा। ओके ठीक है, इस शोषण को तो ख़त्म करो, जल्दी करो, जोलिया ने कहा। मैं जाता हूँ, तनवीर ने उठते हुए कहा और तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।